इसी बहाने मैं खाना भी खा लूंगा, इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूंगा, इसी बहाने तुम्हारी उससे पहचान भी हो जाएगी। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है इसी बहाने। इसी बहाने को इंग्लिश में कहते हैं ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, इसके बाद आपको यूज करनी है कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपके टेंस के हिसाब से रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। इसी बहाने में खाना भी खा लूंगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो ईट द फूड। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो ईट द फूड। इसी बहाने वो चाय भी पी लेगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट ही विल ऑल्सो टेक टी। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट ही विल ऑल्सो टेक टी। इसी बहाने तुम्हारी उससे पहचान भी हो जाएगी। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट यू विल ऑल्सो गेट टू नो हर। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट यू विल ऑल्सो गेट टू नो हर। इसी बहाने मैं तुम्हारे घर भी देख लूंगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल सी योर हाउस। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल सी योर हाउस। इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूंगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो मीट हिम। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो मीट हिम।